दोस्तों 23 अक्टूबर 2023 नवमी का दिन, इस दिन माता का पूजन किया जाता है, नौ कन्याओं का पूजन किया जाता है जिन्हें साक्षात माता का स्वरूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवमी के दिन जो व्यक्ति नौ कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन कराता है वह साक्षात जगदम्बा को भोजन कराता है। और जब वे कन्याएं प्रसन्न होकर आपके घर से जाती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे साक्षात माता रानी आपसे प्रसन्न हो गई हैं, वे आपको आशीर्वाद देकर जाती हैं। दोस्तों इस नवरात्रि माता रानी पृथ्वी लोक पर हाथी पर बैठकर आई हैं जो कि अत्यंत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों इस बार के नवरात्रि भी पूरे 9 दिन के हैं, ना एक दिन कम और ना ही एक दिन ज़्यादा। जिस समय नवरात्रि 8 दिन के होते हैं उन्हें शुभ नहीं समझा जाता, लेकिन 10 दिन के नवरात्रि शुभ समझे जाते हैं। वहीं जब नवरात्रि पूरे होते हैं 9 दिन के तो वे अत्यंत ही शुभ समझे जाते हैं। दोस्तों इस बार माता रानी गज पर बैठकर आपके द्वार पर आपके घर में प्रधान रही हैं, वे आपको अवश्य ही आशीर्वाद देके जाएंगे जिससे आपकी समस्त समस्याओं का नाश होगा। दोस्तों नवरात्रि को नवमी के दिन कन्याओं को पूजन किया जाता है, उन्हें पूजन के बाद उन्हें भोजन कराया जाता है जो कि साक्षात जगदम्बा का प्रसाद होता है। दोस्तों अगर आप इस नवरात्रि व्रत रहे हैं अथवा नहीं भी रहे तब भी आप कन्या पूजन करते हैं, आप नौ कन्याओं को भोजन कराते हैं, लेकिन भूल कर भी इन नौ कन्याओं में से किसी को भी ये तीन वस्तुएं कभी नहीं खिलानी चाहिए, अन्यथा माता आपसे प्रसन्न होने के बजाय आपसे रुष्ट हो जाएंगी। दोस्तों कौन सी हैं वे तीन चीज़ें जो आपको नवरात्रों में कन्याओं को नहीं खिलानी चाहिए और ऐसा क्या खिलाना चाहिए जिससे माता रानी आपसे प्रसन्न हो? तो दोस्तों नवमी के दिन व्यक्ति को पक्का भोजन ही बनाना चाहिए, पक्का अर्थात पूड़ी सब्जी हलवा और चने, साथ में खीर भी बना सकते हैं, यही आपको भोजन में देना है। दोस्तों और कन्याओं को जब आप बिठाने के लिए लेकर आएँ, उन्हें भोजन कराने के लिए लाएँ, जब आप उन्हें निमंत्रित करने के लिए जाएँ तो आप अगर हो सके तो कन्याओं को हाथ पकड़कर अपने घर तक लेकर आएँ और प्यार से ज़मीन पर साफ सुथरा करने के बाद, कोई आसन बिछाने के बाद उन्हें वहाँ स्थापित करें, उन्हें वहाँ बिठाएं और बिठाने के बाद हल्दी से कुमकुम से उनके चरणों को धोकर हल्दी से उन्हें पूजकर और माथे पर कुमकुम और अक्षत लगाने के बाद आप कन्याओं को भोजन कराएं। कन्याओं के भोजन में आप पूड़ी सब्जी साथ ही खीर हलवा और चने इत्यादि रख सकते हैं, इसके साथ आप चुपचाप एक लौंग भी उनकी थाली में रख सकते हैं। दोस्तों कभी भी प्लास्टिक के भोजनों में कन्याओं को भोजन नहीं कराना चाहिए, प्लास्टिक के पात्रों में सदैव ही धातु के पात्र अथवा पत्तल होनी चाहिए, उन पत्तलों में आप भोजन के साथ एक लौंग भी परोस दीजिए, क्योंकि माता रानी को लौंग अत्यंत ही प्रिय है। जब लौंग उनके भोजन में जाएगी तो वे अत्यंत ही प्रसन्न होंगी और आपको आशीर्वाद देकर जाएंगी। वहीं दोस्तों कभी भी कन्याओं को एक साथ तीन पूड़ियां नहीं परोसनी चाहिए, अगर तीन पूड़ियां आपने परोसी तो इससे माता रानी आपसे रुष्ट हो सकती हैं, क्योंकि यह माता रानी को कभी भी प्रिय नहीं होता। तीन पूड़ियां हमेशा मरे हुए लोगों के लिए परसी जाती हैं, इसलिए भूल कर भी तीन पूड़ियां आप किसी भी कन्या की थाली में ना परोसें। हाँ आप दो या एक एक करके पूड़ियां रख सकते हैं, इससे वे अगर तीन पूड़ियां भी खाती हैं तो वह तीन नहीं गिनी जाएंगी अपितु उन्हें अलग अलग गिना जाएगा। वहीं दोस्तों कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कन्याओं को गिफ्ट के रूप में कुरकुरे नमकीन इत्यादि दे देते हैं, यह कभी भी भूलकर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों में लहसुन और प्याज मिला हुआ होता है। दोस्तों माता रानी का जब भोग लगता है, कन्याओं को जब भोग लगाया जाता है तो वह भोजन सात्विक होना चाहिए और सात्विक भोजन में लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं होता, जबकि इन चीज़ों में लहसुन और प्याज मिले हुए होते हैं। तो दोस्तों अनजाने में ही आप लोग यह गलती कर जाते हैं और आप लोगों को माता रानी का आशीर्वाद नहीं मिलता, अपितु आपकी परेशानियां और बढ़ जाती हैं। आपने नवरात्रि में 9 दिनों में जितना भी तप किया वह सब विफल हो जाता है, इसलिए भूल कर भी कोई भी डब्बा बंद चीज आपको कन्याओं को नहीं देनी चाहिए, अपितु सिर्फ अपने घर में बना हुआ स्वच्छ और सात्विक भोजन ही कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप भेंट स्वरूप कन्याओं को वस्त्र दे सकते हैं, लाल चुनरी दे सकते हैं, वस्त्र सफेद अथवा काले रंग के नहीं होने चाहिए, हो सके तो वे लाल रंग के हों, आप उन्हें उपहार में लाल
चुनरी दे सकते हैं अथवा दक्षिणा स्वरूप कुछ धन दे सकते हैं, कुछ पैसे दे सकते हैं। और जब आप ये दक्षिणा दें तब अपने पूरे मन से प्रसन्न होकर देना चाहिए, मन में कुपित पर अथवा दुखी होकर नहीं देना चाहिए, अन्यथा माता उस दक्षिणा को स्वीकार नहीं करती और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होता। वहीं दोस्तों, कन्याओं को कभी भी भूल कर भी ऐसा भोजन नहीं कराना चाहिए जिसमें अशुद्धि हो या वह सात्विक ना हो या उसमें लहसुन और प्याज मिले हुए हों। और दोस्तों, भूल कर भी कन्याओं को टूटे हुए बर्तनों में भोजन नहीं कराना चाहिए। जिस घर में कन्याएं टूटे भोजन में भोजन करती हैं, टूटे पात्र में भोजन करती हैं, उस घर में सदैव गरीबी ही रहती है। इसलिए भूल कर भी आप टूटे बर्तनों में भोजन ना कराएं। अगर आपके घर में ज़्यादा बर्तन नहीं है तो आप पत्तों की जो पत्तल बन के आती हैं, पत्तों के जो दोने होते हैं, उनमें कन्याओं को भोजन करा सकते हैं और उनके भोजन करने के बाद आप उसे फेंक सकते हैं। तो दोस्तों, इस नवरात्रि आप कन्याओं को भूल कर तो दोस्तों नवरात्रि को नवमी के दिन जब आप कन्याओं को भोजन कराएं तो उन्हें 3 पूड़ियां नहीं परोसनी है, उन्हें टूटे बर्तनों में खाना नहीं खिलाना है, उन्हें ऐसी कोई बाहर की चीज नहीं खिलानी है जिसमें लहसुन और प्याज हो अथवा वह सात्विक ना हो। क्योंकि बाहर डब्बा बंद चीज कैसी है, किसने बनाई है, किस स्थिति में बनाई है, इसका हमें ज्ञान नहीं होता। इसलिए उनका भोजन कभी भी नहीं कराना चाहिए। साथ ही उन्हें टूटे बर्तनों में भोजन नहीं कराना चाहिए। काले और सफेद वस्त्र उन्हें भेंट स्वरूप नहीं देने चाहिए, अन्यथा माता रानी आपसे रुष्ट हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त आप प्रेम पूर्वक जब कन्याओं को भोजन कराएंगे उन्हें लाल चुनरी उपहार स्वरूप देंगे और दक्षिणा देकर उनके चरण छूकर आप प्रसन्न मन से उन्हें विदा कीजिए। माता रानी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।